नमस्कार, आना न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों सोशल मीडिया पर आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, यानी मोदी जी और उनके नेताओं का 20,000 करोड़ में बनने वाला आलीशान महल। देखिए ना, एक और डेली कोरोना से लगभग 4,000 लोग मर रहे हैं, पर क्या फर्क पड़ता है, मरे हम तो महल बनाएंगे। वो 20,000 करोड़ हमारे देश के 1.25 करोड़ देशवासियों के लिए बिल्कुल नहीं लगाएंगे जी। ये हम थोड़ी ना कह रहे हैं मोदी जी, ये आपका काम कह रहा है, पर्दा फाड़ फाड़ कर कह रहा है। जानकारी के लिए आप सभी को बता दूं, ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। इस 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के बदले उनके लिए कुछ कर देते हमारे प्यारे प्रधानमंत्री जी। एक और, दिल्ली की राजधानी की सड़कों पर सन्नाटा है, तो घरों में मातम। लोग अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन और मेडिकल सेवाओं के लिए छटपटा रहे हैं। दूसरी ओर, दिल्ली के हदयस्थल लुटियंस में 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में कार्य प्रगति पर है। भूत की तरह खड़े इंडिया गेट के पास तेजी से काम जारी है। मजदूर जमीन खोद रहे हैं और नए संसद भवन की नींव डाल रहे हैं। एक और, लाशें जलाने के लिए जमीन कम पड़ रही है, लेकिन 36 इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी राष्ट्रभवन के ठीक सामने 15 एकड़ यानी 24 बीघा जमीन पर अपने लिए महल बनवा रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में आ गया है। इस प्रोजेक्ट के कामकाज को रोके जाने की मांग की जा रही है। इससे संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, हालांकि शीर्ष अदालत ने मामले को दिल्ली हाई कोर्ट भेज दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मामले की जल्द सुनवाई करने की भी आग्रह की गई है, क्योंकि वहां काम कर रहे मजदूर भी लगातार कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। ये देखकर साफ साफ समझ आ रहा है कि 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट मोदी जी के लिए कितना महत्वाकांक्षी है। इतने बड़े पैसों के रकम में बनने वाले कई अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्रीज मोदी जी सब कुछ भूल चुके हैं। विपक्ष, मीडिया, हम जैसे आम जनता चीख चीख कर मोदी से कह रहे हैं कि इसकी अभी क्या जरूरत है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, हम मर रहे हैं। पर खबरदार, जो मोदी जी के कानों पर जू रेंग जाए। दोस्तों, ऐसे में तो हमको बस एक कहावत याद आ रही है, अपने सुई भी ना चुभे, दूसरे के भाला घुसेड़ दो। चलिए आपको ज्यादा विस्तार से बता देते हैं कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है और किसके लिए है। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत एक नए संसद भवन और नए आवासीय परिसर का निर्माण किया जाएगा। इसमें प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास के साथ कई नए कार्यालय भवन और मंत्रालय के कार्यालयों के लिए केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाना है। यानी मोदी जी और उनके नेताओं के लिए दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। पर मोदी जी, जिन्होंने आपको चुन के भरोसा करके प्रधानमंत्री के गद्दी पर बैठाया, यानी हम जनता सब लोग, उनके दुख का क्या सोचेंगे कभी उनके बारे में भी। खैर, सेंट्रल विस्टा परियोजना की सितंबर 2019 में घोषणा की गई थी। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने परियोजना की आधारशिला रखी थी। इस पूर्ण विकास परियोजना में एक नए संसद भवन का निर्माण भी प्रस्तावित है, और आगे आपको बता दूं, एक केंद्रीय सचिवालय का भी निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ में भी परिवर्तन प्रस्तावित है। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदल दिया जाएगा और इनके स्थान पर नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भी स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों व उनके विभागों के लिए कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा, यानी फुल रिनोवेशन, हिंदी में बोले तो नवीकरण। पर समाप्त करते हुए अंत में कहना चाहेंगे कि मोदी भक्त लोग ये वीडियो देखने के बाद शायद कमेंट में हमको गरियाएगा, पर सुनिए ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ना बनाओ अपना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जरूर बनाइए साहब। पर हमारा ये सवाल है कि ये अभी बनाना जरूरी है,
जो पैसे इसमें फूके जा रहे हैं या उस पर देश की जनता का हक नहीं है? क्या इन पैसों से इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मेडिकल सपोर्ट्स नहीं बढ़ाए जा सकते थे? हॉस्पिटल्स में जो लोग ऑक्सीजन ना मिलने से मर रहे हैं उन्हें नहीं बचाया जा सकता था? तो सुन लीजिए कान खोल के, ये सब हो सकता था और इस 20 हजार करोड़ पर सबसे ज्यादा इस देश की जनता का अधिकार है, क्योंकि हम टैक्स भरते हैं तभी आपका सरकारी खजाना फल फूल रहा है। खैर, दिल्ली हाई कोर्ट इस निर्माण को फिलहाल रोकने की याचिका पर क्या फैसला लेती है देखना दिलचस्प होगा। और अब मेरा सवाल आप सबसे है और अब मेरा सवाल आप सबसे है, आपको क्या लगता है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी मोदी जी का महल कोरोना से मर रहे लोगों से ज्यादा जरूरी है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।